नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 की बर्निंग केसेस की श्रृंखला की हमारी कल की कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में आप सबका स्वागत है। आखिरकार पुलिस ने सूरज को तोड़ लिया और वो सरकारी गवाह बन गया, लेकिन ये संदेह अब भी बना हुआ था कि सूरज पर कितना भरोसा किया जा सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो कोई नई चाल चल रहा था। चल बोल, कितने बच्चों को किडनैप किया? यही कुछ 40 के आसपास। क्यों किडनैप किया? काम के लिए साहब, पॉकेट मारने का, चैन खींचने का। क्या है ना साहब, पब्लिक में किसी को समझ में भी आया ना तो बच्चे को देख के कोई जल्दी शक नहीं करता है। इसके साथ क्या किया? इसको तो मार दिया साहब उन लोगों ने। ये पहला बच्चा था जिसको मारा था, राजा। उन लोगों ने मारा और मैंने इसकी बॉडी रास्ते से दूर खड़ी रिक्शा में फेंकी थी सर। कहाँ हुआ था ऐसा? कोल्हापुर स्टैंड के उधर। कब की बात है? 1991 का मार्च महीना था सर। हेलो, हट साहब। सर सरकारी गवाह बन के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोल्हापुर पुलिस को एसटी स्टैंड के पास किसी बच्चे की लाश नहीं मिली थी। बंद। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। कमलेश, मैं तूने बोला कि कोल्हापुर के एसटी स्टैंड में उन्होंने बच्चे को मारा और तू लाश लेके आगे गया। हाँ साहब। कितनी दूर गया था? यही 15-20 मिनट चला होगा साहब। कमले, हो सकता है कि ये एसटी स्टैंड के पुलिस स्टेशन के हद से बाहर चला गया हो। जरा आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछ के देखो। सर, हाँ सर होता। और कितने बच्चों को मारा है? बोल, चल बोल फटाफट, टाइम नहीं है, बोल। 20-22। 20-22। सूरज को सरकारी गवाह बना लिया गया था, लेकिन पुलिस की उस पर विश्वास की नींव अब भी कमजोर थी, क्योंकि विश्वास करना मुश्किल था कि रुक्मणी और उसकी दो बेटियों ने 40 बच्चों को अकेले अगवा किया। और सवाल ये भी था कि उन 40 बच्चों के साथ क्या हुआ? क्या वो सारे के सारे मौत के घाट उतारे जा चुके थे, या सूरज पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था, या फिर सच अपने सबसे भयानक रूप में सामने आने वाला था? और इस विकराल परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इस केस की तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिसर को नियुक्त किया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कोल्हापुर पुलिस ने पहले बच्चे का मर्डर कंफर्म कर दिया है और उसकी डिटेल्स भी हमें भेज दी है। सर, ये उन 60 बच्चों की फोटोग्राफ्स हैं जो 1991 से 96 के बीच मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर, नासिक, इन जगहों से उठाए गए थे। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इनमें से कौन कौन से बच्चे इन्होंने उठाए थे। हालांकि इंक्वायरी से पता चला कि ये जो है बच्चा, इसका नाम है राजा, इसे कोल्हापुर के किसी भिखारी के पास से उठाया गया था। हालांकि इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट अभी तक दर्ज नहीं हुई। ज्यादातर बच्चे इन्होंने मंदिरों और मेलों में से उठाए। सर, ये रुक्मिणी है इनकी हेड। रुक्मिणी की दो बेटियां हैं, रंजना और सपना। रंजना रुक्मिणी के पहले पति ट्रक ड्राइवर की बेटी है, और रंजना का हस्बैंड है सूरज, जो कि हमारा स्टेट विटनेस। सूरज की ही गाड़ी में ये लोग एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, और बच्चों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम भी सूरज ही करता था। दूसरी बेटी सपना, जो कि किरण भोईर की बेटी है। किरण भोईर पहले आर्मी में था, उसने बाद में रुक्मिणी को तलाक दे दिया और सुषमा से शादी कर ली, और इनकी शादी से ये दो बेटियां हुई, मेधा और देवकी। हमारे लिए केस तब शुरू हुआ जब सपना और रंजना ने मेधा का अपहरण किया और 4 महीने बाद देवकी का अपहरण करने की कोशिश की। मेधा की किडनैपिंग करने का क्या कारण हो सकता है? मेधा को तो बदला लेने के लिए उठाए थे सब। ये रुक्मिणी आई, रंजना और सपना, इनका मेन काम तो पॉकेट मारने का है और वो गोल्ड चेन खींचने का। मेधा को अगर बदला लेने के लिए उठाए तो बाकी बच्चों क्यों उठाए?
साहब वो क्या है, एक औरत जब बच्चे को लेके चलती है ना गोद में, तो किसी भी आदमी को शक नहीं होता कि अपना पॉकेट उसने मारा होगा। और इसीलिए सबसे पहले वो राजा, राजा को उठाए थे सब। कहाँ से उठाए? वो शिरडी का रास्ता है ना सब, वहीं शिरडी के पास में कहीं से। लेकिन उस वक्त मैं नहीं था उधर सब। जब मैं वापस आया ना, तभी इन्होंने ही मेरे को बताया था कि शिरडी में किसी भिखारन का बच्चा उठाया करके। ए भाई कुछ पैसा देना मैं, मेरा बच्चा बहुत भूखा है मैं, देखना दो दिन से कुछ नहीं खाया मैं, कुछ देना। अरे इतनी हट्टी कट्टी है तू, भीख मांग रही है? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? बच्चों को भूखा मारेगी तू? बच्चा बड़ा होएगा तो क्या बोलेगी तू? मैं तो काम करना चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरे को कोई काम ही नहीं देता है, तो मैं क्या करूँ? अरे वो शेठ को झाड़ू पोते के लिए बाई चाहिए थी ना। हो आई। ए तू इसके साथ जा, तुझे काम मिलेगा। चल बच्चे को मत लेके जा, वो शेठ को बच्चे का चिल्लाने का रोने की बहुत चिढ़ है। ऐसा ना हो तुझे काम ना मिले, एक बार काम मिले ना तो कुछ वांदा नहीं है। पर इसको कहाँ छोड़ो? हमें ना, हमारे पास। तुम लोगों के पास? अरे हम लोग है ना, और ये आ रही ना तेरे साथ। हाँ। जा तू, चिंता मत कर, हम संभालेंगे। हाँ? चल। हाँ। मैं इसका ध्यान रखूँ? हाँ, हाँ, बाबू ध्यान रखो मैं। रंजना ने उस भिखारन को चकमा दिया और वहां से भाग गई। पीछे से इन लोगों ने बच्चे को उठाया और ये भी भाग गए सीधे पूना। ये पूना में राजा करीब एक साल भर इनके पास था, उसी को गोद में लेके ये लोग पॉकेट मारते थे साहब। राजा की वहां मौत हो गई और तूने उसे रिक्शा में डाल दिया। अरे नहीं नहीं साहब, राजा उस वक्त मारा नहीं था, सिर्फ सर फटा था उसका। हाँ थोड़ा खून बह गया था, पर उसके बाद इन लोगों ने उस आदमी को धमकी दिया ना साहब, तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। 2,000 रुपए निकल के दिया, निकल गया उधर से। 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 3,000 ये और ये 2,000 रुपया उस आदमी से झटका, वो टोटल हुआ 5,000 रुपया। नहीं भारी आप लोगों ने तो अच्छा हाथ मारा है आज। क्यों रो रहा है? जरा सी चोट लगी है ना तुझे? चुप। अगाई सर फटा है उसका, खून भी निकल रहा है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे कौन खर्चा करेगा इसके ऊपर? उसके बाद साहब हम राजा को लेके पीछे की तरफ चले गए। वहाँ पर रुक्मिणी आई को एक खंभा दिखा। रुक्मिणी आई ने ना साहब राजा का सर उस खंभे पटका और सब पटकते रहे जब तक वो मारा नहीं। बाद में वो उसका सब गीला कपड़ा खून से वो निकाला और रंजना को दे, बोली दो। तो आपने इसके बयान को क्रॉस चेक किया कि सच बोल रहा है? यस सर। एक आदमी को रिक्शे में बच्चे की लाश दिखी थी। उसी ने कोल्हापुर पुलिस को फोन किया और कोल्हापुर पुलिस ने पंचनामा किया, हमें ये फोटो भेजी। सर ये पहला नहीं है, इसके बाद भी उन औरतों ने कई किडनैप किए। पहले हम ये देखते हैं कि इन 3 औरतों में से कौन कौन अपना गुनाह कबूल करता है, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। खोटा बोलता है तो कुतरा, राजा को मारा और इल्जाम हम पे लगा रहा है। देख कितना कमीना निकला तेरा आदमी। साहब हम लोग औरतें हैं, हमारे भी बच्चे, हम किसी का बच्चों को कैसे मार सकते हैं?
हाँ साहब, चाहिए तो आप हमारे बच्चों से पूछ लो साहब, हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं साहब। बकवास बंद कर, इससे पहले इतने सारे बच्चों को अगवा किया तब कहाँ था तुम्हारा प्यार? हमने नहीं साहब, वो तो वो सूरज उन बच्चों को उठा के लाता था और बोलता था कि रास्ते पे रोते हुए मिला। हम तो उन बच्चों को संभालते थे, उनको खाना पीना भी देते थे और गोद में उठा के लोगों के पर्स चेन मारते थे, है ना? अरे वो तो हमारा धंधा है, इसके लिए सजा है तो दे दो, लेकिन वो बच्चा उठाना मारना है हम सब नहीं करते। हाँ साहब, हम लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं साहब, हमने ना ही किसी बच्चे को उठाया और ना ही किसी बच्चे को मारा है। उस कमीने ने मारा होगा उसको। हाँ साहब, सूरज नहीं मारा उसको, उसी ने मारा है, उसी ने मारा है साहब। हाँ, पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि ये तीनों औरतें झूठ बोल रही हैं, क्योंकि राजा को अगवा करते वक्त सूरज साथ में नहीं था और सूरज इसका सबूत पुलिस को दे चुका था। राजा की दर्दनाक मौत सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे अनगिनत असहनीय वैशी दरिंदगी की कहानियां सामने आनी बाकी थी। सूरज के बयान के मुताबिक इन तीनों ने 20 से भी ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा था। शिरडी पुलिस ने इन्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और सजा भी हुई, लेकिन चूंकि राजा की मां ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी, इसलिए पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि एक मासूम के कत्ल का भी था। फरवरी 1991 में ये तीनों सजा काट कर बाहर आईं और आते ही इन्होंने बच्चों को अगवा करने की कई कोशिशें की, लेकिन इन्हें कामयाबी दिसंबर 1991 में मिली जब इन्होंने मुंबई के थाने से नितिन को अगवा किया और एक और मासूम की जिंदगी दांव पर लग गई। अच्छा, क्यों रो रहे हैं? लाइए, मुझे दीजिए, लाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा, नो 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 नो, देखा चुप हो गया। मेरे गोद में आते ही बच्चे चुप हो जाते हैं, नहीं रोते। भूखा तो नहीं है ये? इसको भूखी लगी, कुछ खाया नहीं है इसने। अरे क्यों नहीं खाया? आप इसको दूध पिलाओ ना। मेरे पास दूध के लिए भी पैसे नहीं है। अरे ऐसे कैसे, बच्चे को भूखा मारोगी क्या? दो मिनट रुको, मैं दूध पिलवाती हूँ उसको। सपना, सपने था? हाँ सपना, इनको पैसे दो और आप पैसे लीजिए, जाके दूध लेके आइए। वो देखिए, वहां एक दूध की दुकान है, जाइए बच्चे के लिए दूध लेके आइए। मैं अभी आई। हाँ ले जाइए। उस बच्चे को कब मारा और कहाँ मारा? वो तो मेरे को मालूम नहीं साहब, उस वक्त मैं मेरे काका के मौत पे गांव में था। हाँ, पर वो बच्चा 3-4 महीने तक तो इनके साथ रहा होगा। जब मैं वापस आया ना, तो मैंने पूछा था, रुक्मिणी आई बोली कि वो बीमार रहता था ना, इसके लिए उसको नासिक के कुंभ मेले में छोड़ के आई है। वो बोली कि तू बच्चे उठा के लाता था, तू बोल रहा है कि वो बच्चे अगवा करते थे, तुम लोग सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो, पुलिस को गुमराह कर रहे हो। अरे नहीं साहब, मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया, सब उल्टा मरीज नितिन को वापस लेके आया था नासिक से। मतलब? वो क्या है ना साहब, 3-4 महीने में रंजना को उस बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। जब से रुक्मिणी आई उसको मेले में छोड़ के आई थी ना, तब से रंजना बोल रही थी मेरे को बच्चा वापस चाहिए, वापस चाहिए। तो मरीज गया था साहब नासिक में, वहाँ के पुलिस स्टेशन में बच्चे के लापता होने की मैंने ही कंप्लेन लिखाई थी। अरे एड़े हो गए तुम लोग, चोरी के बच्चे का पुलिस कंप्लेंट किया? अरे चोरी के बच्चे की माँ बनने को किसने कहा था? तू एक दिन हमारा धंधा बंद कर देगी। हाय हाय, मुझे कुछ नहीं सुनने का है, मुझे मेरा नितिन चाहिए बस। अचानक रंजना को बच्चे पे इतना प्यार क्यों आया? वो क्या है ना सब, 4 महीने का बच्चा गिर गया था रंजना का, तब से वो बहुत दुखी थी, कभी गुस्से में कभी नाराज है, कुछ समझ में नहीं आता था। और उसी टाइम पे नितिन को उठा के लाए थे, तो उसका नितिन से बहुत लगाव हो गया था। और मैंने भी नासिक के पुलिस में नितिन की फ़ोटो दी थी, तो उन्होंने भी उसको ढूंढ लिया। वो होता ना एनजीओ वाली किसी औरत ने उसको देखा था उधर, उसने ले जाके उसको अनाथ आश्रम में दिया, फिर अनाथ आश्रम वालों ने उसको किसी को गोद दे दिया। पुलिस ने मेरे को उनका एड्रेस दिया, तो मैं और रंजना गए थे नासिक में उनके घर।
किधर है मेरा नितिन? कौन नितिन? यहाँ कोई नितिन वितिन नहीं रहता। नितिन नहीं रहता लेकिन कसला आवाज है, कौन आले? नितिन मेरा बच्चा। अरे कहाँ भाग रही हो? नितिन 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 मेरा बच्चा। कहाँ घुसे चली आ रही हो? ये मेरा बच्चा है, मेरा नितिन नहीं है। आप क्या शोर मचा रही है? बोलो आप, और इसे छोड़िए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, आप शोर मत मचाओ। बुलाओ पुलिस को, मैं नहीं बोलूंगी कि तुमने मेरे नितिन को अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ है। हमारे पास लीगली अडॉप्ट किए हुए पेपर्स हैं इसके, और इसका नाम नितिन नहीं है, इसका नाम कल्पेश है। सब रंजना तो नितिन को छोड़ने को ही तैयार नहीं थी, वो बहुत तमाशा करी, इतना तमाशा किया ना कि सच में पुलिस आ गई। पुलिस भी हमको वही बोली कि उन लोगों ने कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लिया है, तो बच्चा उन्हीं के पास रहेगा। पर रंजना नहीं मानी साहब, हमको वकील करना पड़ा। उस वकील का नाम क्या है? कमल जायसवाल। मैंने कितनी मेहनत की थी उन्हें नितिन की कस्टडी दिलाने में। रंजना ने कहा उसका बड़ा बेटा केदार और नितिन जुड़वा है। सूरज ने भी यही कहा। रंजना की स्टेटमेंट में मैंने डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया जिसने रंजना की डिलीवरी करवाई थी, पर कोर्ट में आकर डॉक्टर ने यह कहा कि रंजना को जुड़वा बच्चे हुए ही नहीं, उसने सिर्फ केदार को जन्म दिया था, इसलिए कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। बहुत बेवकूफ बनाया सर उन्होंने मुझे। हैरानी की बात है, एक औरत जिसने इतने सारे बच्चों का खून कर दिया, वो एक पराए बच्चे के लिए कोर्ट तक चली गई। इसी को क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं। आप सच बोल रहे हैं सर, क्योंकि दूसरे बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारने वाली औरतें जब कभी अपने बच्चों के पास होती हैं तो ऐसे दिखाती हैं कि दुनिया में इनसे अच्छी माँ कोई है ही नहीं। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि इन लोगों के खिलाफ हम कितने मर्डर प्रूव करेंगे, क्योंकि लास्ट तक कंफर्म झूठ बोलने वाले हैं। सर सच तो यहाँ कोई बोलते ही नहीं है, बुलवाना पड़ता है, और सर ये लोग भी सच बोलेंगे। इतना आसान नहीं है, देखते हैं। 6 साल का पीरियड है जिसमें इन लोगों ने कई बच्चों के मर्डर और किडनैपिंग किए, वो भी एक शहर से नहीं, अलग अलग शहर से। ये केस पुलिस के लिए वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बच्चे महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, कल्याण और थाने तक से गायब किए गए थे। इस केस को कोर्ट में मजबूती से पेश करने के लिए पुलिस को बच्चों के शव, कत्ल के हथियार और गवाहों की जरूरत थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम संदिग्धों के मौका वारदात पर होने को भी साबित करना था। अगवा और कत्ल किए गए बच्चों की संख्या लगभग 40 थी, जिसमें से पुलिस अब तक सिर्फ 2 का पता लगा पाई, और ये अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल था कि और कितने मासूम बच्चे इनका शिकार बने, इनकी चपेट में आए। और 4 थे सर, 1993 के मार्च से मई तक रुक्मिणी ने और 4 बच्चों को उठाया था, उसमें से एक पूना का सागर भी था। सपना ने सुगंधा को कल्याण से उठाया। रुक्मिणी और रंजना ने गणेश और मीरा को मुंबई से उठाया था। सुनिए ना, थोड़ा पैसा दे शाम। उसी दिन रुक्मिणी ने मुंबई वीटी से मीना को उठाया था। इन सब बच्चों को लेके हम लोग मेरी गाड़ी से पुणे आए। तुम लोग बच्चों को कहीं से भी उठाते थे तो तुमको उनके नाम कैसे बता देते? ये उनके असली नाम नहीं थे साहब। आई, उसका क्या नाम रखे? सपना, मेरी पसंदीदा फिल्म सागर है, इसका नाम हम लोग सागर रखते हैं, है ना आई? हाँ हाँ हाँ, सागर रखते, चल। इन बच्चों को कुछ 9 महीने तक इस्तेमाल किया सर, उसके बाद बंटी को घाव लग गया और उसकी जख्म कुछ दिनों में सड़ गई। इधर मीना भी बीमारी चल रही थी। तुम इधर ही रुक जाओ, कोई देखेगा ना तो सिटी बजाना, हम 5 मिनट में काम करके आते हैं। सब, मैं उधर ही गाड़ी के पास रुका था, वो तीनों 5 मिनट में वापस आए। बहुत एक्सपर्ट हो गए तुम लोग, 5 मिनट में काम निपटा दिया। अरे बच्चों को मारना मुर्गी को मारने से आसान है। अब ये इन बच्चों को ठिकाने किधर लगाने का? चल 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 चल,
आजा बताती मैं। फेंक क्या? एग्जैक्ट जगह बता, दोनों को कहाँ फेंका था? वो खंडाला गांव के पास एक तालाब है, उसमें। कामले सर, खंडाला पुलिस स्टेशन से पता करो कि केस कौन हैंडल कर रहा था। ओके सर। सर ये खंडाला गांव पुलिस स्टेशन से PSI जोशी है सर, वो केस इन्हीं के पास था। सर गौतम शिटोले नाम का एक आदमी तालाब में मच्छी पकड़ने गया था, उसे ये बैग मिला था सर। उसने देखा कि बैग में बच्चे की लाश है तो फौरन हमें फोन किया। हमने वहाँ आसपास जाकर के चेक किया तो बच्चे की डेड बॉडी से भरा हुआ ये दूसरा बैग मिला था हमको वहाँ पर। आपने आसपास के पुलिस स्टेशन में इस उम्र के बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट चेक की थी? यस सर, लेकिन इन्हें पहचानना मुश्किल था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये लाश हमें 10 दिन बाद मिली थी, काफी गल चुकी थी और पहचान नहीं होने की वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पाया सर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों बच्चों की मौत गलत दबाने से हुई है। इसका मतलब है जो सूरज अब तक कह रहा है वो सच है। सूरज की मदद से पुलिस 3 बच्चों के कत्ल को साबित करने में कामयाब थी। बयान के मुताबिक 2 और बच्चों को मारकर नदी में फेंक दिया गया था और मीरा और गणेश अब भी उनके साथ थे। पर जल्द ही गणेश का भी एक मामूली सी वजह के कारण कत्ल कर दिया गया और सूरज के बयान के मुताबिक उसकी लाश को खंडाला घाट के जंगलों में फेंक दिया गया था जो अभी तक बरामद नहीं हो पाई और पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब 4 बच्चों में से सिर्फ मीरा बची थी। क्या किया होगा उन्होंने मीरा के साथ? क्या मीरा जिंदा थी या फिर उन्होंने उसका भी कत्ल कर दिया था? अजीब लोग हैं, बच्चे को ताले में बंद करके गए हैं। रुक्मिणी के घर में मिली मीरा को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसे बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस ने रुक्मिणी के घर से तलाशी में चोरी का काफी सामान बरामद किया। सूरज उनके साथ उस वक्त नहीं रह रहा था इसलिए सिर्फ इन 3 को गिरफ्तार किया गया और वो भी सिर्फ चोरी के जुर्म में, क्योंकि रंजना ने कहा कि मीरा उसकी बेटी है और जब वो बाहर खेलने जा रही थी तो किसी आदमी ने उसे बहुत मारा जिसके निशान अब भी उसके शरीर पर हैं और इसीलिए बच्चों को प्रताड़ित करने के जुर्म से वो बच गई और 3 महीने में सजा काटकर बाहर आ गई। बाहर आते ही इन 3 ने जिस जुर्म को सबसे पहले अंजाम दिया था वो था मीरा का कत्ल। एक और मासूम की बलि दी थी इन्होंने अपने सनकीपन को शांत करने के लिए। ये मीना गला फाड़ के नहीं रोती ना तो हमको जेल नहीं जाना पड़ता। इसी के वजह से 3 महीना काम धंधा बंद है, उसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे बेटा मारुति और तू बाहर खेलो, जा 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 बेटा जा। ए तू दरवाजा बंद कर ले। सर सूरज ने मीना की बॉडी को जहां डंप किया था पूना 17 हाईवे के पास, सर हम उसे वहां लेकर गए थे। सर वो हाईवे सभी जगह से एक जैसा ही दिखता है। सूरज को प्रॉपर पता नहीं है कि उसने बॉडी को कहां फेंका था। 17 पुलिस स्टेशन आपने पता किया? उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मीना की बॉडी मिलने का? हाँ सर, 17 पुलिस के मुताबिक उस साल उन्हें हाईवे के पास कोई भी बॉडी नहीं मिली। मतलब हो सकता है कि मीना की बॉडी को जंगली जानवर खा गए हों या फिर घसीट के जंगल के अंदर ले गए। मतलब मीना भी। Yeah.
सर दुख रहा है मेरा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? तेरे जैसे लोगों को ना चाय क्या, पानी भी नहीं मिलना चाहिए। और चिल्लाएगी ना तो जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। जा चुपचाप बैठ जा। हे अगर आई उठना। ए आई, क्या हुआ? उठ नहीं रही है ये। आई 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 उठ ना, आई उठ, आई उठ ना, आई आई आई। अरे अगर उठ, अरे कोई है, मेरी आई उठ नहीं रही है। आओ जल्दी आओ। आई 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 आई, क्या हुआ मेरी आई को? अरे ये तो मर गई। ये आई रुक्मणी अपने किए की सजा भुगतने से पहले ही मर चुकी थी। रंजना और सपना को अपनी माँ रुक्मणी की मौत का दुख था या नहीं कह नहीं सकते, पर दोनों बहुत शांत हो गई थी। लेकिन अचानक भावना इन्हें छोड़कर न जाने कहाँ चली गई थी कि इन्होंने अपनी माँ की मौत का भी फायदा उठाने की कोशिश की। तुम लोगों ने जो किडनैपिंग और मर्डर किए उसमें से 7 साबित हो चुके हैं, बाकी की किडनैपिंग और मर्डर तक भी हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे भाई। अरे साहब, हमने कोई किडनैपिंग नहीं की है, ना ही किसी को मारा है। साहब ये सारा काम हमारी आई करती थी, वही बच्चों को लाती थी, हम लोग ने तो कुछ नहीं किया है साहब। हाँ साहब, वो करती थी और तुम दोनों मौत का तमाशा देखती थी, है ना? हमारे पास सारे सबूत है कि सारे गुनाहों में तुम दोनों बराबर की हिस्सेदार हो। और हाँ, हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जब तक तुम दोनों को फांसी नहीं हो जाती तुम मरने ना पाओ। सर एक मिनट, सर ये रुक्मिणी के सेकंड हस्बैंड है, ये उनकी बीवी है और मेधा इन्हीं की बेटी थी। साहब मेरी बच्ची को ढूंढो साहब, वो औरत तो आपके पास ही है ना, उससे पूछे ना मेरी बच्ची कहाँ है, कहाँ रखा उसने मेरी बच्ची को, पूछे ना। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, जैसे कुछ पता लगेगा हम आप लोगों को खबर करेंगे। आप अपने आप को संभालिए। सर क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने मेधा को अभी तक जिंदा रखा होगा? लगता तो नहीं है, पर जब तक सूरज से ये पता नहीं चल जाता कि उन लोगों ने वाकई मेधा के साथ कुछ गलत किया है तब तक उन्हें बता भी नहीं सकते। 6 साल का पीरियड कम ले और हम लोग अभी तक 1994 में पहुंचे हैं, जबकि मेधा की किडनैपिंग 1996 में हुई है, यानी कि तब से लेकर अब तक पता नहीं और कितने बच्चों की किडनैपिंग और मर्डर हुआ होगा। ये उंगलियों पे क्या गिन रहे हो? अरे साहब वो बड़े साहब ने बोला था ना मेधा के पहले कितने बच्चे। घिनौने आदमी इतने सारे बच्चों को मार दिया और उंगलियों पे गिन रहा है? मेधा नहीं मीना के बाद से बता। मीना के बाद सुरभि थी साहब। जी की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ चलो हम लोग पानी लेके आते हैं। सुरभि को तो साहब 2 हफ्ते बाद ही मार दिया था। क्यों, सुरभि को इस्तेमाल नहीं किया चोरी के लिए? कैसे करते साहब, 24 घंटे रोते रहती थी। रुक्मिणी मेरे को बोली भी थी उसको संभाल कर, मैं उसको साइकिल पे घुमाता था, बिस्किट खिलाता था, कोई फायदा ही नहीं हुआ, 1 मिनट चुप नहीं बैठती थी। तो एक रात को इस लड़की का मासूम बच्चों को मारने की बात ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मजे लेके सुना रहा काम, जानता हूं सरकारी गवाह ना,
कानून से हाथ लगाना मना है। बता, सुरभि की बॉडी कहाँ फेंकी? कमलेश साहब, बच्चे की डेड बॉडी हमें इस जगह पर मिली थी और इस जगह के मालिक ने ही पहले डेड बॉडी को देखा था, उसी ने हमें इन्फॉर्म किया। इस उम्र के किसी बच्चे की कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं थी हमारे पास, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमने उसका दाह संस्कार कर दिया था। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, उसकी मौत की वजह क्या थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर में 2 फ्रैक्चर था और ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हुई थी। आपके पास बच्चे की डेड बॉडी की कोई फोटो है? हाँ है, लेकिन बच्चे का फेस कई दिनों से धूप में पड़े रहने की वजह से चेहरे के खाल पूरी तरह से फट गई थी, जिसकी वजह से पहचानना मुश्किल है। सुरभि के कत्ल के बाद रुक्मणी ने घर बदलकर और बेहतर घर ले लिया था। घर बदला था लेकिन वैशी मानसिकता नहीं। नए घर में नए तरीके से कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया था और कत्ल करने का तरीका और भी दर्दनाक। मासूम बच्चों का कत्ल करना मानो उनका शौक बनता जा रहा था। ये केस इस कदर घिनौना था कि पुलिस भी आहत दिखाई दे रही थी, लेकिन भावनाओं में ना बहकर अपने फर्ज को निभाने की लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि मासूम बच्चों के कत्ल की कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरज ने एक और किडनैपिंग और मर्डर के बारे में बताया, और ये कत्ल पिछले किए गए मर्डर से भी बेरहमी से किया गया। बच्चे का नाम अमर था। अमर? सर, अमर केदार की बर्थडे पार्टी में भी मौजूद था। अमर तब 5 साल का था। 1995 मार्च में इन लोगों ने उसे मुंबई में किसी विट्ठल मंदिर से उठाया था। कमले, एक काम करो, मुंबई जाकर इस केस की फाइल लेकर आओ। ओके सर। 5 साल के बच्चे को अपने माँ बाप का नाम और पता तो याद होना चाहिए। याद था तभी तो उसका मर्डर हुआ। तू मेरे साथ गोटी खेलेगा? ये सब मैं नहीं खेलता, मैं मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। पता है, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था और पापा के पास भी बहुत बड़ी गाड़ी भी है। वो मुझे रोज चॉकलेट देती थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। तुम अपनी आजी आई को बताओ ना, वो मुझे पापा के पास वापस भिजवा दे। ए! चल उठ, क्या क्या कर रहे? उठ, चल अंदर। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मम्मी पापा के पास? चल अंदर, चल चल अंदर। मम्मी पापा के पास जाएगा, चल। अमर ने अपने पड़ोसियों को भी अपने घर परिवार के बारे में बताया था, और जब रुक्मणी को इस बात का पता लगा तो उस बच्चे का इस दुनिया में हुआ आखिरी दिन था। आइए, बाजू वाली काकी से बात कर रहा था, सब बता दिया उनको। पूछ रही थी कि लड़का कौन है, 4-4 गाड़ी है, ये भी बता दिया है। ऐसा चला तो ये पक्का हमको मरवा देगा। मैंने तो इसको उठाते वक्त ही बोला था, ये बहुत बड़ा है, सब मालूम होएगा इसको, हम सब लोग फंस सकते हैं। तभी तुम लोग मेरी बात नहीं सुने। अब देखो, रस्सी लेके आ। बहुत बोलने का शौक है ना इसको, आज मैं उसकी आवाज ही बंद कर देती हूँ। उन्होंने अमर को छत से उल्टा लटका दिया रस्सी से बांधकर, और उस बच्चे का सर तब तक दीवार पर मारते रहे, तब तक मारते रहे जब तक कि उसके सर के टुकड़े नहीं हो गए। भगवान ऐसे राक्षसों को पैदा क्यों करता है? एक मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से लोगों ने मारा है ना। इसका मतलब है कि कमले को रुक्मिणी के घर में दीवार पे जो खून के धब्बे मिले थे, खून अमर का था। हाँ, और यही कोर्ट में हमारे लिए पुख्ता सबूत का काम करेगा। और मेधा, मेधा के बारे में उसने कुछ बताया? मेधा का नंबर अभी आया कहाँ है? अभी तो उसके पहले की लिस्ट बहुत बाकी है। What? सरकारी गवाह है तू, सरकारी दामाद नहीं, समझा? जो इधर आराम से सो रहा है। चल बोल, अमर के बाद कौन कौन था और कितने बच्चे थे? सब। थोड़ी चाय मिलेगी? चाय आ रही है, जब तक चाय आती है आगे बोल। साहब, अमर के बाद में थाने के असिस्टेंट से 1 साल की बच्ची को उठाया था, उसका नाम सोनाली रखा था। बच्ची पहले से ही कमजोर थी साहब, हमेशा बीमारी रहती थी। ये ले इसकी दवाई, खिला दे इसको। कितने खिलाई दवाई?
320 क्या? 320 की दवाई? अरे 3 रुपए नहीं कमाए इससे, आते ही बीमार बीमार बीमार, उल्टा 1000 रुपया खर्चा हुआ इसके ऊपर। इसे पालने से क्या फायदा? आई अब तो पालने के लिए पैसा भी नहीं बचे। 2 महीने से हम लोग काम पे नहीं गए, और तो और मैंने अपने बच्चे के लिए एक नया कपड़ा नहीं खरीदा, ऐसे कैसे चलेगा आई? एक काम करते, सूरत चलते, उधर बहुत पैसे वाले लोग हैं, उधर हाथ सफाई कर लेंगे। हो आई। हा? सूरज को बोल गाड़ी तैयार रखने को। हो आई। हा? हा? मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था सब, तो उसको गैरेज पे डाला था रिपेयरिंग के लिए, तो हम लोग प्राइवेट गाड़ी किए और सूरत चले गए। वो सोनाली बहुत बीमार थी सब, तो चोरी करने के लिए बच्चे की ज़रूरत तो थी, इसलिए सोनाली को भी साथ में लेके जाना पड़ा। चोरी करते हुए बच्चे रोते नहीं थे? नहीं सब, काम पे जाने के पहले उसको नींद की दवाई दे देते थे हम लोग, और ये नींद की दवा के कारण सोनाली और भी कमज़ोर हो गई थी। रुक्मिणी ने आई को लगा कि उसको अभी रखने का कोई फायदा नहीं है, तो एक ढाबे पे हम लोग खाने के लिए रुके थे, उधर उसने बोल दिया कि इससे छुटकारा पा लेते। मैं अब ये बीमार बच्चों को पूना नहीं लेके जा सकती। अरे सूरत में हमने 28,000 से ज्यादा कमाया। हाँ, वो तो है। अब दूसरा बच्चा ढूंढने का टाइम है हमारे पास, इसको खत्म कर देंगे, पीछा छुड़ाएंगे। हाँ। अरे वो तो ठीक है, पर इसको मारेंगे किधर? गाड़ी में। जैसी गाड़ी चलने लगी साहब, मैंने ड्राइवर को बातों में लगा दिया, मैंने पिक्चर की बातें चालू कर दी साहब, वो भी एकदम मजे से बातें सुनने लगा, बात करने लगा, तो मैंने पीछे की सीट पे बैठी हुई रुक्मिणी आई को इशारा कर दिया, उसने सोनाली को पैर के पास रखा और पैर से उसका गला दबा दिया। बगल में बैठी रंजना और सपना ये सब देख रही थी साहब। बाद में रुक्मिणी ने मेरे को इशारा किया, काम हो गया करके, तो कुछ देर गाड़ी चलने के बाद मैंने ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक, ये सब हो जाने का। ड्राइवर को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि बच्चा साथ में नहीं है? कैसे पता चलेगा साहब, वो तीनों माँ बेटी इस काम में एकदम चालू है। उसके बाद हम लोग पुणे आ गए सब, फिर कुछ दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर गांव में चला गया सर। गांव चले गए मतलब? बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे? नहीं सर, उन लोगों ने बच्चों को भी यही काम सिखाया। देख मैं तुझे सिखाती हूँ चेन कैसे खींचने का। ए, ए, रुक 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 रुक, मैं सिखाती हूँ, चुप। देख सपना मौसी उधर से आएगी। हाँ ए सपना, तू उधर जा। हाँ मौसी इधर से आएगी, तेरी को उसकी चेन खींचना है। हाँ मैं यहाँ से जाऊंगी और उसको टकराऊंगी, तू उसके दाएं हाथ में रहना और फटाक से चेन खींचना। ठीक है। हाँ तैयार है तू? तैयार है? चल चल जा खड़ा रह। देखा अभी? हाँ को कभी लगा नहीं जो कर रही है वो गलत है, उससे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, बजाय इसके कि चोर बनाए। तुमने कभी उसको समझाने की कोशिश नहीं की? उधर सिर्फ रुक्मिणी आई के चलते थे और वो बोले कि वही करना पड़ता था। ये छोड़, ये बता सोनाली के बाद? सोनाली के बाद तो मैं गांव में चला गया था सर, लेकिन उधर से मैंने फोन किया था तो रंजना ने बोला था कि उसके बाद उन्होंने और 2 बच्चों को उठाया, लेकिन जब मैं 3 महीने के बाद वापस आया तो मेरे को घर में कोई बच्चा नहीं दिखा सर। सुन मैं जब गांव में था तब तुम लोगों ने 2 बच्चे उठाए थे, किधर है वो? जहाँ बाकी सारे बच्चे जाते हैं उधर ही। मालूम है पहले उनसे खूब काम लिया, फिर तुम्हारा ठिकाने लगाने वाला काम मैंने किया,
आई मेरे से ना बहुत खुश हुई, देखना कितनी जारी चेन दी है मेरे को। अच्छा मजे है तेरे। कौन बोला आपको ये सब साहब? मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा और मैं ऐसा काहे को करेगी साहब? और ना ही मैंने किसी को फेंका है, ये सारा काम मेरी आई करती थी साहब, उसके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। रंजना ये वो बच्चे हैं जिन्हें तुमने मार दिया, देखो कितने मासूम हैं, इतनी बेरहमी से मार दिया तुमने उन्हें। सब मैं काहे को किसी को देखेगी, मैंने बोला ना कि मैंने कुछ नहीं किया साहब, और मेरा इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है साहब। तुम्हारे लेने देने का प्रूफ है हमारे पास, अगर तुम ये दो मर्डर कबूल कर लोगी तो हम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहने देंगे, वरना मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे बच्चों से अलग करना पड़ेगा। उधर ही भेज दो साहब, वो संस्था वाले ना मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उधर ही भेजो साहब। रंजना और सपना इतनी शातिर अपराधी थी कि पुलिस की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। उन दोनों में से किसी ने भी उन दो बच्चों की किडनैपिंग और कत्ल को कबूल नहीं किया जो उस समय किए गए थे जब सूरज गांव में था। 9 बच्चों के कत्ल सामने आ चुके थे, लेकिन अब तक सिर्फ 4 बच्चों के कत्ल के पुख्ता सबूत मिले थे। अपराध की 6 सालों की खोज खबर लेती पुलिस मेधा तक पहुंच गई थी। मेधा उनका आखिरी शिकार थी। क्या मेधा का भी खून कर दिया गया था, या रुक्मणी ने अपनी सौतेली बेटी को कहीं छिपा दिया था या बेच दिया था? आखिर कहां थी मेधा और क्या हुआ था उसके साथ? मेधा को तो उसी दिन मार दिया था साहब, जिस दिन उसको घर से लेके आए थे। कैसे मारा? जिस दिन रंजना और सपना उसको धर्मशाला में लेके आई उसी वक्त हम लोगों ने सामान बांध के वहां से निकले थे। तेरे माँ ने मेरा घर तोड़ा है, मेरा घर, मेरी शादी तोड़ी, तू मरेगी क्योंकि तेरे माँ को और किरण को इससे अच्छी सजा कहीं नहीं मिल सकती। जिंदगी में इतने केस देखे लेकिन इंसान का ये रूप नहीं देखा। बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारा है सालों ने, अब क्या करें? सबके सबूत तो नहीं मिल पाएंगे। जितने सबूत इकट्ठे कर सकते उतना करेंगे और जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन औरतों को फांसी की सजा दिलवाना, और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इन पर जरा सी भी दया दिखाने वाला है। इनकी चार्जशीट पड़ी तब मैं खुद डर गया। पहले मेरे घर पे फोन करके मैंने मेरे बेटे की सलामती पूछ ली। इन दोनों बहनों ने जिस क्रूरता से ये कत्ल किए है कि ये दया के पात्र है ही नहीं। जून 1990 से लेकर 1996 तक इन 6 सालों में इन्होंने अपने अपराधों को एक के बाद एक अंजाम दिया, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इन 6 सालों में पुलिस सिर्फ 5 बच्चों को ही न्याय दिलवाने की अपील कर पाई, बाकी सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो पाए। चोरी चकारी करने वाली इन औरतों ने कातिल बनकर विभत्स से विभत्स कत्ल करने के उदाहरण को भी पीछे छोड़ दिया। मासूम बच्चों को गला दबाकर दीवार पर, खंबे पर पटक कर, और वो भी तब तक जब तक उनके सर के टुकड़े ना हो जाएं, और पत्थर से उनका सर कुचलकर उन बच्चों की जान ले ली। इनकी दरिंदगी, इनकी क्रूरता के लिए अदालत ने बिना रहम खाए इन्हें फांसी की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने इन दोनों बहनों को एक ही जेल में भेजा, और वहां जेल में भी इन दोनों ने अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश की। इस घटना के बाद 2 बहनों को अलग कर दिया गया, लेकिन ये मुसीबत जैसी की तैसी बनी रही, और मानव अधिकार संगठन इनकी पैरवी के लिए आगे आए। लेकिन जब उन्होंने इनकी चार्जशीट पढ़ी, इनके अपराधों को पढ़ा, तो उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। फांसी की सजा मिलने के बाद रंजना और सपना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी दरख्वास्त को ना मानते हुए इनकी सजा को बिल्कुल वैसे ही रखा, और अगस्त 2006 में उनकी इस फांसी की सजा को लागू कर दिया गया, जिसके बाद इन दोनों ने राष्ट्रपति से दरख्वास्त की। इनके अपराध इतने भयानक थे कि राष्ट्रपति ने भी इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया, और आज ये दोनों बहनें अलग अलग जेल में अपने आखिरी पल का इंतजार कर रही हैं। आज भी रंजना के बच्चे केदार और मारुति जेल में इनसे मिलने आते हैं।
जब भी आपको किसी गलत काम को करने में खुशी मिले तो रुक कर गंभीरता से सोचें, क्योंकि ये आपके अपराधी बनने और जेल की सलाखों का बुलावा है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 101 को। सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।